हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS एकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के टॉपिक न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट से पहले हमारा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इंट्रोडक्शन सब हो चुका है। तो आज हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है पेपर 2 की। तो आज न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने से पहले हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट अगर हम करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है तो उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस के रिगार्डिंग करना होता है। तो अब बात आती है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस होता क्या है। तो अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ये हमारी बॉडी का स्टेटस होता है रिगार्डिंग द नरिशमेंट ऑफ बॉडी, कि जितने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं हमें न्यूट्रिएंट्स की, उतने हमारी बॉडी कंज्यूम कर पा रही है या नहीं, या हम उतना इनटेक करते हैं या नहीं। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ द करंट बॉडी स्टेटस रिगार्डिंग द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करने वाले दो चीज़ें होती हैं हमारी, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, जो भी इंडिविजुअल की एज होती है, हर एज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इन्फेंसी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है, एडोलसेंसी की अलग होती है, अडल्टहुड की अलग होती है और ओल्ड एज में अलग होती है। सेम विद सेक्स, अगर मेल है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती हैं इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं अलग होती है। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन बिहेवियर, वो भी हमारा एक इंटरनल फैक्टर होता है। न्यूट्रिशन बिहेवियर में हमारा आता है वेदर द पर्सन इज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन और एगिटेरियन। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस में। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस, लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप, क्योंकि जो इनकम होती है इंडिविजुअल की या फैमिली की, वो भी अफेक्ट करती है न्यूट्रिशनल स्टेटस को। जो हायर इनकम ग्रुप होगा उनको जिस तरीका का न्यूट्रिशन चाहिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोअर इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो वो बेसिक जो नेसेसिटी होती है, जितनी उनको डेली रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभार वो उतना भी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। एक आइडियल जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है हमारा, वो माना जाता है जब जितना न्यूट्रिएंट का इनटेक कर रहे हैं वो उतना कर रहे हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिन में 1900 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है पर डे, तो उतना हम कंज्यूम भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ जितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उतना भी कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम कंज्यूम कर रहे हैं। एक प्रॉपर बैलेंस है हमारे इनटेक और हमारे जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें। तो वो होता है हमारा एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप कंज्यूम कर रहे हो। जो एक स्टार्टिंग की क्लास हुई थी उसमें हमने फूड गाइड पिरामिड को डिस्कस किया था। उसमें था कि जो सबसे वाला नीचे वाला जो फूड ग्रुप होता है जिसमें 6-7 सर्विंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें हमारे मेनली सीरियल्स होते हैं, उसके बाद पल्सेस की बात करी जाती है, जो हमारे शुगर और ऑयल्स होते हैं वो 1-2 पोर्शन में रिक्वायर्ड होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट सेट करी गई है फॉर एवरी इंडिविजुअल, कितना कितना पोर्शन हमें कंज्यूम करना चाहिए। अब अगर हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं होता है तो उसके अलावा चांसेस हो सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो या तो अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है या फिर ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन बेसिकली जब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की उतना हम कंज्यूम नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ अगर ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जितना हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा जब हम कंज्यूम कर लेते हैं। इन्हीं दोनों कंडीशन को, एक जो हमने बात की हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस, जब हम सारी चीज़ें उसी क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा जो दूसरी टर्म आएगी वो होती है हमारी मेल न्यूट्रिशन, जिसमें हमारा इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करी जाती है। अगर हम ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से कम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ अंडर न्यूट्रिशन, अगर हम ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ओवर न्यूट्रिशन।
अब अगर अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उससे भी हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। वहीं पे अगर हम ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे ओबेसिटी के, और अगर ओबेसिटी है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना होता है। अब अगर हम पर्पस की बात करते हैं और, तो सबसे पहला यही है कि हमें देखना है कि कोई मेलनरिश्ड इंडिविजुअल है या फिर मेलनरिश्ड नहीं है। हमें चांसेस देखने हैं कि ऐसा कोई चांस तो नहीं है कि ऐसी डाइट तो कंज्यूम नहीं कर रहा है कि जिससे उसको मेलनरिश्ड होने के चांसेस हो सकते हैं। अब वो मेलनरिश्ड अंडर न्यूट्रिशन में भी हो सकता है या ओवर न्यूट्रिशन में भी हो सकता है। दूसरा, अगर कोई एक पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मेलनरिश्ड हैं तो हम वहाँ पे जाके असेसमेंट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेन रीज़न क्या है वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा मेलनरिश्ड है। उसके अलावा अगर हम थर्ड पर्पस की बात करते हैं तो थर्ड हम इंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल अनीमिया के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आए हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए अलग अलग प्रोग्राम आए हैं। तो कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले, कोई भी हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले एक असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। अब फोर्थ रीज़न आ जाता है कि अगर कोई प्रोग्राम पहले से ही रेगुलेट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद हमें उसका इम्पैक्ट देखना है कि पहले पॉपुलेशन मेलनरिश्ड थी, उसके बाद हमने कोई इंटरवेंशन किया, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके कुछ टाइम के बाद हमें चेक करना है, इवेल्युएट करना है कि जो हमारा प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो ये चेक करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना होता है। तो ये 3 से 4 पर्पज़ थे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे 2 मेथड्स आते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, उसमें बेसिकली हमारे 4 चीज़ें आती हैं जिनको कहा जाता है ABCD मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये 3 मेथड्स हमारे डायरेक्ट मेथड्स में आते हैं। अब ABCD का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स, ए स्टैंड्स फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड। जितना भी ह्यूमन की जो मेजरमेंट्स की जाती है, हाइट, वेट, सर्कमफ्रेंस, जैसे वेस्ट सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, ये सारे मेथड्स हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स में आते हैं। उसके बाद अगर हम बी की बात करते हैं, दैट इज़ बायोकेमिकल मेथड्स। बायोकेमिकल मेथड्स में मेनली हमारे जो लैब टेस्ट कराए जाते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। थर्ड जो सी है उसका मतलब होता है क्लिनिकल मेथड्स। क्लिनिकल मेथड्स में आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें देख के पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा टाइम से, अनीमिया है, तो उसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नेल्स स्पून शेप के हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मसल वेस्टिंग होती है, ब्रेक डाउन होता है मसल का, फेस पे वाटर रिटेंशन हो जाता है, दैट इज़ अडीमा की कंडीशन होती है। तो ये कुछ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं डायरेक्ट मेथड में। बट इनका एक फीचर होता है कि क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स विजिबल होते हैं जब जो हमारा मेल न्यूट्रिशन होता है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक होता है। उससे पहले हमें या तो एंथ्रोपोमेट्रिक या फिर बायोकेमिकल मेथड का ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सीवियर कंडीशन होने के बाद ही हमें साइंस एंड सिम्टम्स का पता चलता है। डी की अगर हम बात करते हैं तो डी स्टैंड्स फॉर डाइट्री मेथड्स, जिसमें हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हमारे 24-hour रिकॉल फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर इंक्लूडेड होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे ये 4 कॉमन मेथड्स होते हैं जो यूज होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उसमें हमारे आते हैं इकोलॉजिकल वेरिएबल्स। इकोलॉजिकल वेरिएबल्स में हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल वहाँ की एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन कितनी है, या फिर हाउस होल्ड इनकम कितनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी अवेलेबिलिटी क्या है, या फिर वहाँ पर प्राइसेस क्या हैं जो भी फूड है उसके।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल और सोशल हैबिट्स, किसी के कल्चर में होता है कि वहाँ पे वेजिटेरियन खाना ही खाया जाता है या फिर किसी का कल्चर होता है वहाँ पे नॉनवेज खाना खाया जाता है, तो यहाँ पे वैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जहाँ बात करती हैं वहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ेगा हमारा वो प्रोटीन के इनटेक पर ही पड़ता है। अब अगर हम वन बाई वन बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, जो हमारा सबसे पहला मेथड है, तो एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है हमारी जो बॉडी होती है उसकी मेजरमेंट्स, उसमें हमारा हाइट, वेट और बाकी के प्रोपोर्शंस आते हैं। अब जितने भी ये मेथड्स हैं ये हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करते हैं इन जनरल में, या तो वो अंडर न्यूट्रिशन है या फिर वो ओवर न्यूट्रिशन है। तो एंथ्रोपोमेट्री में जो बेसिक मेथड्स यूज होते हैं उसमें सबसे पहला आता है हमारा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। जो होता है हमारा MAC या फिर इसको बोल दिया जाता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस जब हम किसी भी इंडिविजुअल का मेजर करते हैं उसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैलिपर्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आता है हमारा हेड एंड चेस्ट रेशियो या फिर हेड सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमारा हिप वेस्ट रेशियो आता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस आता है, हेड सर्कमफ्रेंस आता है। मेनली जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें मेजर किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अडल्ट्स की मेजरमेंट की, और सबसे पहले हमारी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जिसका हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका बॉडी पोस्चर है वो इरेक्ट हो। इरेक्ट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल प्रॉपर सीधा खड़े हों, बेयर फुट मतलब कोई चप्पल या जूते नहीं पहने हों, और एक स्टेडियोमीटर की हेल्प से यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो हाइट अडल्ट की मेजर की जाती है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी जाती है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेडियोमीटर। अब वहीं पे अगर हम एडल्ट्स की बजाय बच्चों की बात करते हैं, इन्फेंट्स बेसिकली जो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनमें हाइट की बजाय जो चीज़ मेजर करी जाती है वो होती है रिकमेंड हेल्थ। तो कई बार क्वेश्चन आया भी है कि रिकमेंड हेल्थ होती क्या है, सॉरी रिकमेंड लेंथ। रिकमेंड लेंथ होती है उन बच्चों के केसेस में जिनकी जो एज होती है वो बहुत कम होती है, वो खड़े नहीं हो पाते, तो उस केस में उनको लेटा के उनकी हाइट की बजाय उनकी लेंथ मेजर करी जाती है और उसको कहते हैं रिकमेंड लेंथ। अब हाइट के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की। जो वेट होता है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेइंग स्केल होता है। वहीं पर अगर बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए या तो होता है कि सीधा खड़े होकर वेइंग स्केल पर आप सीधा वेट मेजर कर लो, बट अगर इन्फेंट्स की बात करते हैं तो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है इन्फेंटोमीटर। बेसिकली रीज़न वही सेम होता है बिकॉज वो खड़े होने के कैपेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में इन्फेंटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें उनकी हाइट भी मेजर करी जा सकती है और उनका वेट भी मेजर किया जा सकता है। अब कुछ न्यूट्रिशनल इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं अडल्ट्स में, तो एक मेन चीज़ जो आती है वो होता है हमारा BMI। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है BMI। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। अब BMI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कई बार BMI का डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो जब हाइट इन मीटर स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं वेट इन kg, तो वो होता है हमारा BMI। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो BMI की जो यूनिट होती है वो होती है kg पर मीटर स्क्वायर। kg इज किलोग्राम एंड मीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जिसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर एंड उसका वेट है 72 kg, और अगर हमें यहाँ पे उसका BMI कैलकुलेट करना है, तो पहले जो सेंटीमीटर में उसका हाइट है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 1.70 मीटर। और अब अगर हमें इसका BMI कैलकुलेट करना है तो हम 72 को डिवाइड करेंगे 1.70
स्क्वायर से, फिर जो वैल्यू आती है केजी पर मीटर स्क्वायर में, दैट इज द बीएमआई ऑफ द इंडिविजुअल. बीएमआई की अप्रोप्रिएट रेंजेस भी दी जाती हैं. अगर हम उन रेंजेस की बात करते हैं तो अगर किसी इंडिविजुअल का बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद अगर 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम आता है, इसका मतलब होता है दैट द इंडिविजुअल इज अंडरवेट. वहीं पे अगर वो बीएमआई उनका 18.5 से 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर में आता है, दैट इज द स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉर्मल. वहीं पे अगर हम आगे बात करते हैं 25 के बाद, 25 से 29.9 केजी पर मीटर स्क्वायर तक जो बीएमआई होता है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ ओवरवेट. और उसके बाद 30 से अबव किसी का बीएमआई होता है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी. कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये भी आता है कि ओबेसिटी का जो पैरामीटर होता है वो बीएमआई में कितना होता है, तो उसमें ऑप्शन में 25 भी दिया जाता है और 30 भी दिया जाता है. तो उसका आंसर होता है अबाउट 30 केजी पर मीटर स्क्वायर ओबेसिटी का क्राइटेरिया होता है. जो 25 टू 29.9 केजी होता है दैट इज ओवरवेट, 18.5 टू 24.9 इज नॉर्मल, और अगर 18.5 से नीचे है दैट इज अंडरवेट. तो ये जो टेबल है और इसकी जो रेंजेस है वो याद करनी ज़रूरी होती है. हाइट, वेट और बॉडी मास इंडेक्स के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो होती है हमारी वेस्ट सरकमफ्रेंस. वेस्ट सरकमफ्रेंस भी इंडिविजुअल्स की जो होती है वो मेजर करी जाती है बाय यूजिंग अ टेप. जो हमारा वेस्ट का ये वाला पोर्शन होता है यहाँ से मेजर करी जाती है, और उसमें भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जिस इंडिविजुअल की आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करते हो वो इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए. ये नहीं कि किसी पोर्शन को उसने स्क्वीज़ कर रखा हो. आर्म्स जो होती है उसकी यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि उसकी मेजरमेंट करने में ईजी रहे. अब वेस्ट सर्कमफ्रेंस के भी कुछ लेवल होते हैं, मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग होते हैं. अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो लेवल वन जो होता है मेल्स में वो होना चाहिए 94 सेंटीमीटर से अबव. वहीं पे फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 94 के कंपैरिजन में वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर से अबव. तो मेल में हमने बात की वो 94 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 80 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए, दैट इज़ अ लेवल वन. अगर हम लेवल टू की बात करते हैं तो मेल्स में वो 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. ये कुछ रेंजेस हमारे वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करने की. अगर हम लेवल वन की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल रेंज होती है हमारे वेस्ट सर्कमफ्रेंस के लिए. वेस्ट सर्कमफ्रेंस के बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिप सर्कमफ्रेंस. इसमें भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो इंडिविजुअल है वो इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, अच्छे से उसका जो मेजरमेंट है वो लेना चाहिए, कहीं भी कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वहाँ से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और एक नॉन स्ट्रेचेबल टेप का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेचेबल टेप होगी तो वो स्ट्रेच हो जाएगी और वहाँ से जो मेजरमेंट है वो गलत होगी. वेस्ट रेशियो, हिप सर्कमफ्रेंस, उसके बाद आती है हमारी वेस्ट एंड हिप रेशियो. उसमें बेसिकली जो हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस और हिप सर्कमफ्रेंस होता है उसका रेशियो निकाला जाता है. अगर हम फीमेल्स और मेल्स की बात करते हैं वेस्ट टू हिप रेशियो की, तो फीमेल्स में हाई रिस्क होता है अगर 0.8 से ज़्यादा हो जाता है, और वहीं पे अगर मेल्स की बात करते हैं 0.9 से ज़्यादा होता है तो रिस्क फैक्टर माना जाता है हमारे मेल न्यूट्रिशन का. वेस्ट और हिप रेशो के बाद बॉडी मास इंडेक्स की भी हम बात कर चुके हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ें आती हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो अभी हमने बात किया था वो था हमारे एडल्ट्स के लिए. अब जो हम बॉडी मास इंडेक्स बात करेंगे वो हम बात करेंगे चिल्ड्रन और टीन्स के लिए. एडल्ट्स में जहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया था केजी पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेट को डिवाइड करना
हाइट इन मीटर स्क्वायर से, वहीं पे जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए परसेंटाइल का यूज किया जाता है। अगर 5 परसेंटाइल से कम होता है, लेस देन 5 परसेंटाइल, तो वो होता है अंडरवेट। वहीं पे अगर परसेंटाइल जो होता है 5 to 85 होता है, दैट इज़ द नॉर्मल वेट हम बोल सकते हैं या फिर हेल्दी इंडिविजुअल बोल सकते हैं। वहीं पे 85 से अगर ज़्यादा होता है वहाँ पे रिस्क होता है थोड़ा ओवरवेट का, और अगर 95 से ज़्यादा चला जाता है तो वो कंडीशन होती है ओबेसिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 से 85 परसेंटाइल तक है, दैट इज़ नॉर्मल या फिर हेल्दी। 85 to 95 जहाँ से स्टार्ट होता है रिस्क ऑफ ओवरवेट, वहीं पे अगर 95 से ज़्यादा की बात करते हैं तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ओवरवेट। ये जो टेबल है ये एडल्ट्स में फॉलो नहीं करी जाती, ये सिर्फ फॉलो करी जाती है हमारे इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में। उसके बाद जो हमने मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस या मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की बात करी थी, तो उसके लिए एक टेप यूज़ की जाती है जिसमें 3 कलर अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे ग्रीन, येलो और रेड कलर होता है। ग्रीन कलर की हम बात करते हैं तो अगर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो यहाँ से मेज़र करी जाएगी हमारी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, अगर वो जोन जो आता है टेप का वो ग्रीन जोन आता है, उसका मतलब होता है दैट द नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल है। बट अगर वो येलो आता है तो वो रिस्क फैक्टर को शो करता है, और अगर वो रेड आता है तो उसका मतलब होता है देयर इज कंडीशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। एंथ्रोपोमेट्री के बाद जो सेकेंड टाइप आता है हमारा या सेकेंड मेथड हमारा आता है, वो होता है हमारा क्लिनिकल मेथड्स। क्लिनिकल मेथड्स में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स का देखा जाता है। ये भी एक एसेंशियल फीचर होता है हमारे न्यूट्रिशनल असेसमेंट को मेजर करने का। ये हमें बताता है कि जो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है उस इंडिविजुअल की वो कैसी रही है। जनरल एग्जामिनेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन, हेयर, आइज़ वगैरह सबको मेजर किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, जो अनीमिया हमारा होता है उसमें, उसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमें शो होगा सबसे पहले उसकी स्किन जो होगी वो पेल हो जाएगी, उसकी आंखें जो होगी वो भी थोड़ी येलो कलर की हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं क्लिनिकल मेथड की, तो सबसे पहले जो हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी आती है, उसके लिए अगर हम सिर्फ क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं तो जो क्लिनिकल साइन अवेलेबल होता है हमारा, वो जो हमने बात भी की थी, बाइटोट स्पॉट्स। अब बाइटोट स्पॉट्स क्या होता है, जो हमारी आंखें होती हैं उसमें वाइट कलर के फोमी ट्रायंगुलर पैचेस आ जाते हैं, वाइट कलर के फोमी ट्रायंगुलर पैचेस आ जाएंगे। अगर किसी की आंखों में वो शो होता है उनका नाम होता है बाइटोट स्पॉट, और वो इंडिकेट करता है हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी को। वहीं पे अगर हम विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, तो B1 जो हमारा विटामिन होता है वो होता है हमारा थायमीन, जिसकी डेफिशिएंसी से होता है हमारा बेरीबेरी। अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम कवर कर चुके हैं वैसे तो पहले, तो उसके कुछ साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेट बेरीबेरी है तो उस केस में हमें अडीमा देखने को मिलेगा, बट अगर ड्राई बेरीबेरी है तो उस केस में हमें अडीमा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है विटामिन B2 की, जिसका हमारा नाम था राइबोफ्लेविन। अगर हम विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो बेसिकली जो सिम्टम इसके शो होते हैं वो हमारा जो माउथ का एरिया होता है वहाँ पे शो होते हैं। हमारे माउथ के जो कॉर्नर होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, हमारी जो टंग होती है उस पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है, जिनके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोसाइटिस, काइलोसिस। ये टर्म्स भी कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल काइलोसिस का मतलब क्या है, तो काइलोसिस का मतलब है माउथ के कॉर्नर्स पे क्रैक आ जाना। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जो हमारी जीभ है, टंग है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से वो रेड कलर की हो जाती है। B2 के बाद हम बात करते हैं विटामिन B3 की। B3 इज नायसिन। अब नायसिन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ हमने बताई थी पिलाग्रा, तो पिलाग्रा की अगर हम बात करते हैं तो उसके साइंस और सिम्टम्स में D3 का डिस्कशन होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया।
डर्मेटाइटिस होता है जो स्किन हमारी होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, मे बी उसमें कोई रिएक्शन हो जाएगा, रेड कलर होने लग जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, मतलब स्किन से रिलेटेड होता है। सेकेंड इज़ डायरिया एंड थर्ड इज़ डिमेंशिया। तो ये तीन डी होते हैं जो पिलाग्रा जो हमारी डिजीज़ होती है उसमें विजिबल होते हैं हमारे साइंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कर्वी की, स्कर्वी जो होती है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे जो गम्स है उसके एरिया को, और स्कर्वी हमारी विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड उसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो अगर स्कर्वी की डेफिशिएंसी होती है तो उसके साइंस होते हैं दैट हमारे जो गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ा साइन यही होता है हमारे स्कर्वी का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारा होता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। उसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बोन्स पे। जो इंडिविजुअल होता है वो सीधे प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाता है, चलने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो एक साइन होता है कि मे बी दैट इंडिविजुअल हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। उसके बाद करते हैं हम बात आयोडीन की डेफिशिएंसी की। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है हमारी गोइटर। वो भी देख के ही हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, जो नेक वाला पोर्शन होता है वो एनलार्ज हो जाता है, और अगर ये वाला पोर्शन एनलार्ज है तो मतलब वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जो हम डिटेल में कर चुके हैं। उसमें हमारी तीन कंडीशन होती है, क्वाशियोरकर, मैरिस्मस एंड जो उनकी इंटरमीडिएट स्टेज होती है। मैरिस्मस में मसल वेस्टिंग होता है, इंसान बेसिकली बेबी जो होता है, इन्फेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, उसकी जो बोन्स होती हैं वो भी दिखाई देती है। वहीं पे अगर क्वाशियोरकर की बात करें जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, उसमें कंडीशन होती है अडीमा की, स्वेलिंग आ जाती है, जो फेस होता है वो भी मोटा मोटा दिखाई जाता है। वहीं पे दोनों के अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है कि जो उनके बाल होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स थे जो हमें पता चलते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट हमारा जो रह गया वो है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, कॉलेंचिया की जो कंडीशन होती है। कॉलेंचिया का मतलब होता है स्पून शेप्ड नेल। हमारे जो नेल्स होते हैं वो स्पून की शेप में हो जाते हैं, और वो कंडीशन होती है हमारी आयरन की डेफिशिएंसी से। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमने क्लिनिकल असेसमेंट हुआ उसके फ़ायदे क्या हुए, सबसे पहला तो हुआ कि हम देख के उस डिज़ीज़ का पता लगा सकते हैं, एक फास्ट इवेल्यूएशन होता है। सेकंड इज़ इनएक्सपेंसिव, क्योंकि किसी साइन को देखने में हमें कोई एक्सपेंस हमारा नहीं जा रहा है, तो वो एक तरीके से ज़ीरो एक्सपेंस हमारा होता है। वहीं पे इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो मैंने पहले बताया था कि अर्ली केसेस में हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जब वो बहुत लंबे टाइम की हो जाती है उसके बाद ही हमें साइंस जो है विजिबल होते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक एंड क्लिनिकल के बाद हमारा एक आता है डाइट्री और बायोकेमिकल, जो हमारे दो बचे हैं। डाइट्री में हम डिस्कस करेंगे 24 आवर डाइट रिकॉल, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, डाइट हिस्ट्री एंड ऑब्जर्व फूड कंजम्पशन। और उसके अलावा जो बायोकेमिकल हमारे मेथड है उसमें जो भी लैब टेस्ट होते हैं, कौन सी डेफिशिएंसी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो ये सारे जो दो हमने आज कवर किए, दो जो होंगे हमारे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।